हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रिवर्स वॉकिंग पर। आप हेल्दी रहने के लिए डेली वॉक करते हैं जिससे आपकी फिटनेस मेंटेन रहे। आमतौर पर सभी लोग सीधा चलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उल्टा चलना यानी कि रिवर्स वॉकिंग करने की कोशिश की है। उल्टा चलना भी एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिवर्स वॉकिंग करने से हमारी बॉडी की ग्लूट्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, कोर मसल, टिबियल एंट्री मसल वर्क करती है। साथ ही रिवर्स वॉकिंग करने से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स भी एक्टिव होते हैं जिससे हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा वर्क करता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स वॉकिंग से बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट, नी पेन। रिवर्स वॉकिंग आपके नी एक्सटेंशन रेंज को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके नी में कोई इंजरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है या आर्थराइटिस की कोई कंडीशन है और आपका नी फुल एक्सटेंड नहीं हो पाता यानी कि सीधा नहीं हो पाता है, तो आप रिवर्स वॉकिंग करके अपने पैर को सीधा कर सकते हैं। साथ ही रिवर्स वॉकिंग करने से जनरल नी पेन में भी आराम मिलता है। सेकंड, कैलोरी। रिवर्स वॉकिंग करने से कैलोरी डबल बर्न होती है कंपैरिजन टू नॉर्मल फ्रंट वॉक, तो आप कैलोरी ज़्यादा बर्न करके अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। थर्ड, बैक पेन। लोअर बैक पेन में भी रिवर्स वॉकिंग करना बहुत फायदेमंद है। जनरल बैक पेन हो या लॉन्ग सिटिंग पर्सन अगर रिवर्स वॉकिंग करे तो बैक पेन में भी आराम मिलता है, क्योंकि लंबी सिटिंग पर्सन फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में काफ़ी देर तक मेंटेन रखता है, इससे नेक मसल एंड बैक मसल पर स्ट्रेस आने लगता है। रिवर्स वॉकिंग में पर्सन स्ट्रेट होकर चलता है जिससे नेक एंड बैक मसल की फॉरवर्ड पोजिशन सिनर्जी ब्रेक होती है जिससे बैक पेन में आराम मिलता है। फोर्थ, ट्रेडमिल। जिम में भी आप ट्रेडमिल पर रिवर्स वॉक करके अपना बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ, पोस्चर। रिवर्स वॉकिंग करने से बैक मसल यानी ग्लूट एंड मैस्टिंग आपकी पोस्चर को करेक्ट करती है। सिक्स, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। रिवर्स वॉकिंग करने से आपकी बॉडी का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है जिससे आपकी बॉडी में इंजरी होने का चांस बहुत कम होता है। थैंक यू।